मैं आज इस पल देशवासियों के सामने भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने इस फकीर की झोली तो भर दी, मेरे प्यारे देशवासियों, आपने इस फकीर की झोली भर दी है। बड़ी आशा अपेक्षा के साथ भरी है, मैं जानता हूं। आपकी आशा आकांक्षा, आपके सपने, आपके संकल्प, बहुत कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं इसकी भरी भांति इस गंभीरता को समझता हूं, लेकिन मैं देश को कहूंगा कि आपने 2014 में मुझे ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन आपने भरोसा किया। 2019 में आपने मुझे ज्यादा जानने के बाद उसमें और ज्यादा ताकत डाली। मैं इसके पीछे की भावना को भली भांति समझता हूं। मैं भली भांति समझता हूं, जैसे अमित भाई कह रहे थे कि बहुत वर्षों के बाद एक चुनी हुई सरकार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से और पहले से अधिक ताकत के साथ जीत करके आए। इसका मतलब देश की जनता का कितना भरोसा है, और भरोसा जैसे बढ़ता है जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ती है। और इसलिए मैं देशवासियों को कहना चाहूंगा कि आपने मुझे जो दायित्व दिया है, हमारे एनडीए के सब साथियों ने जो हमें समर्थन दिया है, एनडीए के साथियों ने भी मिलकर के पूरी मेहनत की है, तब जाकर के मैं देशवासियों से आज जरूर कहना चाहूंगा। और इसे मेरा वादा मानिए, मेरा संकल्प मानिए, मेरा समर्पण मानिए, मेरी प्रतिबद्धता मानिए, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि आपने फिर से जो मुझे काम दिया है, आने वाले दिनों में भी मैं बद इरादे से, बद नियत से कोई काम नहीं करूंगा। काम करते करते गलती हो सकती है, लेकिन बद इरादे से, बद नियत से मैं कोई काम नहीं करूंगा। दूसरा देशवासी, आपने मुझे इतना बड़ा भरोसा, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तब मैं देशवासियों को फिर से कहूंगा कि मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा।
और तीसरी बात मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूंगा और तीसरी बात मेरे समय का पल पल मेरे शरीर का कण कण सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए मेरे देशवासी आप जब भी मेरा मूल्यांकन करें इन तीन तराजू पर जरूर मुझे कसते रहना कभी कोई कमी रह जाए तो मुझे कोसते रहना लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सार्वजनिक रूप से जो बातें बताता हूं उसको जीने के लिए भरपूर प्रयास करूंगा।